जय हिंद, जय भारत। मैं आज सभी भारतवासियों को, सभी नागरिकों को पूछना चाहता हूँ, अगर देश के अंदर बीते कुछ दिन से लगातार हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय के बीच कई जगह पे ऐसे कंपटीशन लगी हुई है, QR कोड द्वारा शेयर किए जा रहे हैं और उस पे अपना मंतव्य सुझाव दिए जा रहे हैं, तो मैं सभी भारतवासियों को पूछना चाहता हूँ और एवं मेरा ये वीडियो सभी दुनिया के जितने देश में पहुंच रहा है सबको पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई महादेव नामक बोर्ड है जो हिंदू लघुमति को प्रचारित करता हो पाकिस्तान के अंदर? क्या बांग्लादेश के अंदर कोई विष्णु बोर्ड है जो हमारे हिंदू भाइयों के लघुमति को सलामती स्पष्ट करता है? क्या ओमान दुबई के अंदर कोई ब्रह्मा बोर्ड है जो हमारे सनातनी हिंदू भाइयों की सुरक्षा को मुआवजा करता हो? क्या इराक और ईरान के अंदर तिरुपति बालाजी एवं हनुमान का कोई बोर्ड है जो हमारे हिंदू भाइयों को सांप्रदायिक सुरक्षा देगा? नहीं होगा मान्यवर। और मैं यूट्यूब के अंदर आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ, एक भारत ही ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष सिक्युलर के रास्ते पे चल रहा है लगातार कितने साल से। मैं बात करना चाहता हूँ 1954 के उस साल के अंदर कांग्रेस जिस तरह से एक लघुमती समाज को आनंदित करने के लिए, एक लघुमती समाज की सुरक्षा का मुआवजा का दुआए देते हुए वक्फ बोर्ड की जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हर साल बाय साल इतना वक्फ बोर्ड सशक्त हो गया और जो मेजोरिटी का प्रॉपर्टीज है, जो हमारे हिंदू धर्म के मंदिर है और दूसरी कैसी प्रॉपर्टी, सब पे वक्फ बोर्ड एक बाय एक अपना शिकंजा साधता गया। ये तो भाई बात नहीं हुई, हम बात ऐसे करते हैं लघुमति की सुरक्षा स्पष्ट करते हैं, हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं लघुमति को बहुमति बनानी है। भारत देश के अंदर हिंदू धर्म बहुमति में है, मुस्लिम लघुमति में है, फिर भी लघुमति का एक बोर्ड चल रहा है, वक्त बोर्ड चल रहा है, उनमें भी संशोधन करने पर देश के अंदर विरोध भी चल रहा है। तो मैं सभी को पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने पूछे गए 5 सवाल जो वीडियो के आगे है, 5 ऐसे मुस्लिम देशों के अंदर कोई भी ऐसा बोर्ड हो जो हिंदू धर्म की माइनॉरिटीज को स्पष्ट करता हो, सुरक्षित करता हो?